सीजन 15 के घर में आखिरकार देवोलीना भट्टाचार्य और रश्मि देसाई का क्यों हो गया है बड़ा झगड़ा? आखिरकार ये दोनों की लड़ाई के पीछे कौन है पूरी वजह? क्या है पूरी अपडेट, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 15 के घर में देवोलीना भट्टाचार्य और रश्मि देसाई जब एंट्री ले रही थी, तब तक उनकी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी थी और बॉन्डिंग भी बाहर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अब जब उन दोनों की एंट्री हो चुकी है और घर में जो माहौल चल रहा है, जहाँ उस पर उन दोनों का एक बड़ा बहस देखा गया है। वेल, आपको बता दूं कि देवोलीना भट्टाचार्य आती हैं प्रतीक सहजपाल के पास और बोलने लगती हैं कि आखिरकार ये रश्मि क्यों मुझे बोलती है इस तरह से। वो उमर रियाज के साथ और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ दिन भर गप्पे मारते रहती है। मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, वो उसका मैटर है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, लेकिन मैं जब भी तुमसे बात करने आती हूँ प्रतीक, तो मुझे तुम्हारे नाम से जोड़ दिया जाता है। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, मैं कैसे गेम खेल रही हूँ वो अलग है, तो वो आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? दिन भर वो उमर रियाज के साथ बैठकर बात करती है, उमर रियाज को हग करती है, उमर रियाज के साथ कोजी होती है, तो मैं तो नहीं बोलने जाती कि आखिरकार तू उमर रियाज के साथ ऐसा कैसे कर रही है, तो उसे तुझे और मुझे लेकर ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। पर ये सारी बातें जो देवोलीना है ना, वो डिस्कस कर रही थी प्रतीक सहजपाल से। लेकिन अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि जहाँ ये दोस्ती बाहर घर के बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वही दोस्ती अब घर के अंदर आकर टूटने से लगी है। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।